बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई। मेरी बेटी की शादी में खाना कम पड़ जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी लाला जी। तेरी बेटी की बारात भूखी जाओ प्यासी जाओ तेरी इज्जत जाओ, इसका जिम्मेदार मैं ना हूँ। लाला जी बस थोड़ा सा सामान दे दो, मेरी लाज बचा दो। अरे बेटा हर्ष लाइयो मेरा भाई खत्ता ठाके। बेटा हर्ष तू दुकान पे जा। लाला जी देख लो मेरा कुछ निकल रहा हो तो। ओ भाई तेरा थोड़ा ना घना कुछ ना निकल रहा, अनवर है ना तेरा नाम, देख यू रहा कुछ ना निकल रहा तेरा। मेरे तो आगे पीछे तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा, मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है लाला जी। ओ भाई तेरा खेत रख रखा, तेरा घर रख रखा, तेरी बेटी की शादी का और तेरी इज्जत का ठेका ले रखा के मन ने। लाला जी मैं बूढ़ा बीमार आदमी, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी बारात भूखी चली गई तो नाक कट जाएगी लाला जी, मेरी इज्जत रख लो। तेरी बारात भूखी जाओ तेरी बारात प्यासी जाओ, मैं ठेकेदार हूँ के। लाला जी अगर मेरी बच्चे की बारात वापिस चली गई तो मैं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। तेरी बारात भूखी रहो या तू भूखा रहो, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज का। चल यहाँ से। लाला जी ये तो बात बहुत गलत है। लाला जी बेचारा कह रहा तो दे दे इसकी बारात भूखी जाएगी, पैसे हम देंगे। पैसे तू देगा और तू ही जो दे दे अपने घर का सामान। लाला जी 5 बीघा जमीन कितने की है? देख भाई मैं क्या बताऊं, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इस टाइम मैं हाँ कर देता हूँ, इसकी बारात वापिस ना जाने की इज्जत बच जाएगी। ये लाला के पैसे थोड़े थोड़े जाओ, हम देंगे या ना देंगे वो आगे की बात है, हाँ कर देता हूँ ये सही रहेगा। क्या सोच रहा तू ही जो दे दे अपने घर तक। अरे देख भाई मेरा 5 बीघे खेत मेरा घर 50,000 रुपए में गिरवी रखा हुआ इन्होंने। देखो लाला जी पैसे ये ना देगा तो इसके पैसे हम देंगे। ठीक है बा खिला अपने बराती को रोटी, कमा इज्जत पैसे हम शेख चिल्ली से ले लेंगे। शेख भाई। हाँ चाचा। अरे शेख भाई अगर तुम ना आते तो मेरी आज इज्जत मिट्टी में मिल जाती। चाचा जाओ रात की इज्जत करो, रोटी खिलाओ बढ़िया, हमने ले ली ना जिम्मेदारी, हम देखेंगे लालक बेईमानी। अल्लाह खुश रखे तुझे बेटा। ये बहुत बड़ा बदतमीज है, इसी बदतमीजी मैं देखूंगा। ठीक है बेटा। चलूं तगड़े में जाऊं पैसे लाऊंगा, ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, ले जाऊं उधार देने का नाम नहीं लेते, लालक करोड़ी मन को पागल मान रहे। अरे कहाँ हो सिटानी? अजी आप तैयार होके कहाँ चलती है और दुकान पर कौन रहेगा? दुकान पर तो मैंने हर्ष भेज दिया। और आप कहाँ चल दिए? कल शेख चिल्ली ने अनवर के पैसे ओटे थे, वे लेने जा रहा हूँ। और सुनो जी पैसे आज ही लेके आना। ठीक है देवेगा तो लाऊंगा ना। जब तो सामान दे दिया, बहुत बड़ा साहूकार है ना, करता तो फिर मजदूरी। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है और जल्दी आना। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। हाँ जी क्या बात है? वो शेख चिल्ली कहाँ है? वो तो है नहीं, बाहर गए हैं। कैसे आए हो? मैं अपने पैसे लेने आया था, तुझे बताया ना? हाँ हाँ बताया तो था, अभी तो उस बेचारी की बारात में खाना खाकर पानी भी नहीं पिया और तुम्हें पैसों को देर हो गई। पानी पियो या दूध पियो या चाय पियो या ना पियो, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है।
मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ। आज का वादा किया था उसने। ठीक है, वो है नहीं, जब आ जाए तो ले लेना। बताओ कैसी औरत है, गेट बंद कर लिया। हैं, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली जी, शेख चिल्ली जी, इधर आना, इधर आओ। रानी, आज तक जी क्या के बोल रही हो, क्या बात है? हाँ जी, इंसान को कायदे से बोलना चाहिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? वो लाला जी गए थे तुम्हारे घर पे पैसों के लिए। पैसों को? हाँ जी। पैसे मिल जाएंगे, पैसे भी दे देंगे घर जाकर। अच्छा ठीक है। रतना गण मैं हूँ सवेरा, हाय रतना गण मैं हूँ सवेरा। शेख जी, क्या बात है, आज तो बड़े खुश होकर गाना गाते हुए आ रहे हो। है खुश होकर गाना गा रहे हो, पर तू भी तो आज खुश होकर बोलिए, तू भी तो खुद नहीं बोलती पगली। शेख जी, इसमें क्या लाए हो? अबे इसमें तो पगली अनवर के यहाँ तो बेसन के लड्डू लाया हूँ। लड्डू? बेसन के लड्डू? हाँ दिखाओ। ले दे। शेख जी, बिजली चली गई। बिजली चली गई? बिजली कैसे चलेगी? हमसे भी कर, मुझे कैसे चलेगी सारी बिजली? शेख जी तुम भी हो पागली, मेरा मतलब है बिजली चली गई। लाइट भाग गई? मैं लाइट कहाँ भाग गई रुखसाना? हैं? तू खा, मैं देख लाता हूँ सारी, ढूंढ के ला रहा हूँ कहाँ भाग गई। हाँ जाओ, जो करना है करो, बिल्कुल बुद्धू हो, मैं तो लड्डू खाऊं। आ रहा हूँ साले, देख लूंगा साले, बिजली के बच्चे हैं? कहीं भाग गई बिजली साली, बिजली भाग गई साली। साले तेरा नाम बिजली क्या धर दिया, तू तो दुनिया में सताता फिर रहा है। साले मैंने भी आता तेरा नाक अट्ठा, मेरा नाम नहीं। दुकान क्यों बंद कर आया, चल जल्दी चल, दुकान पर कोई ग्राहक आ जाएगा। अरे सीठानी, दरवाजे पे क्यों खड़ी? तुम्हें शेख चिल्ली नहीं मिला? तुझे कैसे पता मुझे शेख चिल्ली नहीं मिला? दुकान पे आया था, थैले में कुछ ले रहा था, कह रहा था तुम्हारे पैसे घर जाके दूंगा। ठीक है तो मैं पैसे ले आऊं। जाओ जल्दी जाओ, सुनो पानी तो पीते जाओ। बस पानी आके पीऊंगा। अच्छा शेख जी तो यहाँ है नहीं, शेख जी तो बाहर गए हैं। मुझे अपने पैसे लेने थे, मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ। फिर आना, अभी जाओ। अच्छा, देने को पैसे नहीं और वैसे लड्डू खा रही है बेसन के। हाँ हाँ, कह तो दी देने को, दे देंगे, जाओ यहाँ से। अब खाने पीने पे रोक लगाओगे हमारे? जाओ। कैसे लेना बदला बताओ। ये ले, ये ले साले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, अरे मर गया, मर गया, आ ले लूँ बदला। काट लिया, मर गया सेकू, मर गया। कैसा मजा आया? सेकू, कुत्ते का काटा तो एक बार बच सके, तेरा काटा तो पानी भी ना मांगता। क्यों? तू क्या मेरे काटने से गूंगा हो गया? तू मांग पानी? देखी, पानी मांगने की हिम्मत कहाँ है? तेरे अंदर तो इतना जहर है। मेरा कट्ठा पानी नहीं मांगता, इसे पानी पिला देता हूँ, कभी मर जा। चल पानी पी, बिगर मांगे पी पानी, हम खुद पियेंगे पानी, पी पानी पी, पानी पी, पी पी पानी, पानी पी साले, पानी पी, पानी पी, बदनाम कर रहा, एक से कट्ठा पानी नहीं मांगता, पी पानी, हाँ, पानी पी, पी, पी साले, ये ले, पी, और पी, और पी, पानी पी निकल जा।
शेख जी अभी पानी ना मांगू। पानी ना मांगू निकल जा कर निकल मजाक उड़ा रहा साले पानी पिला पिला के मार दूं नुकर आ काठा पानी ना मांगता पी पानी। ऐसा करो आप शेख चिल्ली के घर जाओ और मैं दुकान पे जाती हूँ। नहीं सेठानी मैं अकेला नहीं जाऊंगा उसकी घरवाली बहुत बदतमीज है वो मेरे साथ लड़े चल तू मेरे साथ चल। अच्छा तुम फिकर मत करो मैं चल रही हूँ मैं करूँगी सारी बात। मैं कुछ नहीं बोलूँगा मुझे लगे उसकी बीवी से डर। तो मैं हूँ ना मैं। हाँ सेठानी ये सही है मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई चल तू मेरी गैल आ जा। एकदम घोड़े की तरह भग लिए आराम से चलो। अरे गोविंदा यू की हाल बना रखा ऐसा हो रहा जैसा जोड़ में तो लिकड़ का आया हो। यार मैंने अगर इसे बताया कि शेख चिल्ली ने मेरे साथ ये किया है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं लाला से झूठ बोल देता हूँ ये ठीक रहेगा। अरे क्या सोच रहा है बोलता क्यों नहीं और ये हुलिया कैसे बना रखा। अजी भेस क्या मुझे तो शेख चिल्ली ने बचा लिया मेरे ऊपर तो ऊपरी साया था बहुत बड़ा। आज अगर शेख चिल्ली टाइम पे ना पहुंचता तो मैं ना बचता। क्या अरे उस शेख चिल्ली को मेरी उम्र लग जाए। शेख चिल्ली को? हाँ शेख जी बतला देंगे चाहे तुम कुछ भी पूछ लो। शेख चिल्ली सब बता देगा? हाँ शेख जी कुछ भी बतला देंगे तुम भी चाहे उनसे पूछ लो। अच्छा अच्छा ठीक है तू जा घर पे आराम कर। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अजी सुनो अपने पैसों की बात छोड़ो शेख चिल्ली से अपनी चोरी के बारे में पूछ लो। हाँ सेठानी तू ठीक कह रही है चोरी तो 10 लाख की हुई है उसका कर्ज माफ कर देंगे तो क्या घाटा हो जाएगा चल। अजय चलो भी कैसे डर रहे हो तुम। अजी आवाज लगाओ ये क्या इशारे से कर रहे हो। भाग्यवान उसकी घरवाली बड़ी बदतमीज है उसने धमका दिया था मुझे तू ही लगा ले आवाज। बुढ़ापे में सटिया गए हो बिल्कुल मर्द हो मर्द आवाज लगाते हैं। ठीक है मैं ये आवाज लगाती हूँ। शेख जी वाह कौन है दरवाजा खोलो। आजा दरवाजा खुला है। चलो खुला हुआ बता रहा। लाला जी दरवाजा तो खुला था आजा आ तो दोनों आ रहे हो क्या बात है। लाला जी कैसे परेशान से हो आप और सेठानी को लाए आज तो खैरियत तो है लाला जी। ना शेख जी ऐसी बात ना है। बैठो लाला जी बैठो। लाला जी मुझे रुकसा ना सब बतला दिया मैं माफी मांगता हूँ आपसे रही पैसे की बात वो मैं आपके घर पहुँचा दूंगा क्यों रुकसा ना। हाँ लाला जी शेख जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं शेख जी ऐसी कोई बात ना है हम अनवर के पैसों को ना आए। जब ऐसी बात नहीं तो फिर क्यों घूमते फिर रहे गली। नहीं शेख जी हम अनवर वाले पैसों के लिए नहीं आए। चुप करो हमेशा फालतू बोलते रहते हो सुनाओ जी क्या बात है। बात ये है शेख जी हमारा हो गई है चोरी हमने कर ली और चोरी हमारे नौकरों ने की है सिर्फ ये पता लगाना है किसने की है। मगर हम कैसे बता सकते हैं तुम कहीं और चले जाओ क्यों शेख जी। हाँ रुखसाना सही कह रही है। अगर तुमने चोर पकड़वा दिया तो हम अनवर के पैसे माफ कर देंगे क्यों सेठानी। हाँ जी सही कह रहे हो। मगर लाला जी अगर कुछ नहीं बताना है तो बताना है हम तो सुन के आए तगादे को ना आए क्यों सेठानी। हाँ जी सही कह रहे हो और हम तुम्हें 500 रुपए इनाम के भी देंगे क्यों लाला जी। हाँ सेठानी हाँ ठीक है मैं कल आऊंगा अब जाओ।
आ जाना शेख जी, चलो जी चलो। तुम्हारे घर आकर सारी बात बता दूंगा, अब जाओ। चलो ठीक है शेख जी, चलो सेठ। चलो शेख जी, क्या बात है? तुमने हाथों कर दी, तुम जानो, बता दोगे? मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। जब तेरे जैसी बीवी मेरे साथ है तो मैं क्या नहीं बता सकता। मैं पगली, जब तू लाला को भगा सकती है तो मैं बता नहीं सकता। हाँ ठीक है ठीक है, हम भी देख लेंगे कल को जब बतलाओगे। मैं सब बता दूंगा। है सक्करिया साले सक्करिया, मैं जब तू ही सक्करिया शेख चिल्ली की विद्या पे है तो मेरे साथ चलिए, देख लीजिए अपना। अरे गोविंदा, कैसे शांत सा बैठा? डांस वांस दिखाओ भाई। चलो तो दिखाओ। तो दिखाता हूँ, चलो गाना बजाओ। मैडम लागे गणी क्यूट, मेरे दिल ने लेगी लूट, नी तू पहर के टाइट सूट, आज बन ठण का कित जावे से। वाह भाई वाह। गोविंदा कैसे रुका भाई? शेख चिल्ली आ रहा, कहो तो शेख चिल्ली को बुलाऊं। हाँ बुला। का पागल बनाऊं? ओ शेख चिल्ली। रुक जा। हाँ शेख जी। ये कैसा हंगामा तो हो रहा है यहाँ? शेख जी हमें क्या करना है, चलो अपना काम करो। मैं देख के चलते हैं। बुलाओ हमें दिखाओ। अरे शेखू। हाँ जी। शेख चिल्ली भाई। वाह क्या बात है भैया। इधर तो आना। जानू बुला रहे हैं। ठीक आ रहे भाई जान आ रहे। देखो शेख चिल्ली। हाँ जी। मेरे सवाल का जवाब दोगे? ठीक है देंगे, पूछो। अगर मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो 100 रुपए दूंगा, अगर सवाल का जवाब ना दिया तो 100 रुपए ले लूंगा। भाईजान हमें कुछ नहीं बताना और ना हमें कुछ पूछना। हाँ भी शेख चिल्ली, जब तुम आए गए तो कुछ तो बताओ। ठीक है पूछो। देखो शेख जी, अगर तुमने बता दिया कि मेरे दिल में क्या बात है तो 100 रुपए दूंगा। ओ भाई सोच ले। ये बता नहीं पाएगा, मैं 100 रुपए जीत जाऊंगा। सोच लिया? हाँ सोच लिया, बताओ। बेटा पागल मान रहा है, कुछ चाल लग रही है इसकी साले की। बताओ बताओ क्या सोचा है मेरे दिल ने। हाँ तो सुनो, मुझे 100 रुपए दो, मैं जीत गया। अरे पहले बताओ तो शेख जी। मैं बस नहीं है बिजली के बच्चे, जो तेरे दिल ने सोचा मैं क्यों बताऊं भाई। इसके दिल ने बात पूछी, मेरे दिल ने बात सुन ली, दिल की बात दिल से हुई, दिल की बात दिल ने बता दी, दिल का उत्तर दिल ने दे दिया, तो मैं क्यों बतलाऊं। प्रधान जी वो इसलिए जो इसके दिल ने सोचा वो मेरे दिल ने बतला दिया, जो इसके दिल में प्रसन्न था मेरे दिल ने उत्तर दे दिया, तो मैं क्यों बतलाऊं। हाँ भाई ये तो शेख चिल्ली की बात में दम है, और जीत शेख चिल्ली की हुई, तू शेख चिल्ली को 100 रुपए दे। हाँ भाइयो मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक है ले भाई 100 रुपए। ठीक है बेटा ठीक है। अबे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ असली नकली चोर। चलो शेख जी असली है। चलो चलो लाला घर। हाँ भाई बस बनागा 2 मिनट में पागल, बना फिर यहाँ गोविंदा। बता दो और लग रहा थोड़ा पुप्पा शेख चिल्ली, तुम सब बता दोगे? अरे बता दो ना स्पिटो, हमारे पैसे बच जाएंगे, शेख चिल्ली को ना देने पड़ेंगे। कमबख्त चुपचाप खड़े हैं। लाला जी मैं नहीं जानता कुछ भी। मम्मी सर हो रहा। अरे बोलता क्यों ना चोर, सही सही बता दे। खोल दो। ठीक है शेख जी। रुखसाना। हाँ शेख जी। मैंने तुझे काम बतलाया, काम हाँ कर दे। ठीक है खड़े हो। चल खड़ा हो। चल ये
चल वहां बैठ, बैठ जा, खड़ा भाई तू भी खड़ा, अंदर आ जा मेरे साथ। यहां बैठ जा। चलो बैठ, वहां बैठ, बैठ जा, बैठ जा। क्यों भाई शेख चिल्ली, चोर का पता लगा? दादाजी अभी चोर आपके सामने होगा, अभी ठीक है, ठीक है, अभी मिल जाएगा। हाँ अगर तुम में से कोई चोर है तो वो सामने आ जाए। लाला जी तुम्हारे तलवार हैगी? हाँ तलवार है, बहुत लंबी। सुन लो, लाला जी के घर में से तलवार लाके चोर की गर्दन उड़ा दूंगी, वरना तो सामने आ जाओ जो भी चोर है। शेख जी ये तो सारे ही चोर हैं। अगर आप नहीं होते तो ये हमारा 10 लाख का माल बिल्कुल नहीं देते। देख लाला जी ये सारे चोर हैं, आपके चोर मिल गए ना। मगर शेख जी तुमने पता कैसे लगा लिया, कुछ तो बताओ। मैंने उस चोर को घूर के देखा, और जो चोर नहीं है उसे घूर के देखा ही नहीं। हाँ लाला जी, शेख जी मैंने भी उसे घूर के देखा जो चोर है, उसे घूर के नहीं देखा जो चोर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया भैया शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा कर्म बनता है, ये तो हमारा हक है, और शुक्रिया से काम नहीं बनता। और जो 500 रुपए तय करे वो भी देने पड़ेंगे। हाँ हाँ शेख जी, तुम्हारे 500 रुपए भी देंगे और अनवर के पैसे भी माफ कर देंगे। लाला जी अगर आप सच में गरीबों की मदद करते तो आपके यहाँ 10 लाख की चोरी नहीं होती। और लाला जी ये चोरी तो खुद हमने करवाई थी, आप जैसे बेईमानों की आगे खोलने के लिए। लाला जी आपके पैसे मिल जाएंगे, आपके पैसे सुरक्षित हैं। पैसे का क्या दर्द होता है ये आप खुद एहसास कर रहे होंगे दिल से लाला जी। और तुम गरीबों की मदद करने से तो गए, उस दिन वो अनवर तुम्हारे कदमों में तड़प रहा था, अगर मैं ना हाँ करता तो शायद उसकी बेटी की बारात वापिस चल जाती। लाला हम बहुत शर्मिंदा हैं शेख जी। शेख जी आपने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए ये आज से बात कबूल कर लो, गरीबों की मदद करना, पैसा साथ नहीं जाता, कफन में जेब नहीं होती लाला जी। हाँ शेख जी हमें माफ कर दो, ये तो महापुरुष सदियों से बताते आए हैं, साथ कुछ नहीं जाता, और आपने सही कहा कि कफन में जेब नहीं होती। मैं अनवर से 50,000 रुपए भी नहीं लूंगा, उसका घर जमीन सब लौटा दूंगा, अपना बही खाता भी जला दूंगा। और शेख जी हम आज के बाद किसी से भी ब्याज नहीं लेंगे, और गरीबों की लड़कियों की शादी में भी मदद करेंगे। शेख जी एक बार गले मिल लो, आपने मेरी आंखें खोल दी शेख जी। इसीलिए तो कहते हैं लाला जी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब हम सब